आप मुझे बताएं कि हर एक एरिया में अगर आप बात करते हो हम डेवलपमेंट करें, अगर ब्लैक मनी को आपने हर गरीब के घर तक पहुंचाया होता तो शायद अभी गरीब के घर में भी बल्ब जल रहा होता। गरीब को इंतजार करना पड़ेगा कि एक दिन अच्छे दिन आए। नहीं, ज्यादा दूर अच्छे दिन आए, ज्यादा दूर नहीं, इसमें अच्छे दिन तो दिख नहीं रहे। पूरा पिछले जब से आपकी सरकारें आई तब से केरोसिन मिट्टी का तेल बंद है, कभी आपने देखा एरिया? नहीं, हमारा चल रहा है तेल, कौन सा आया, कब आया? हर साल आता, कब आया? आज भी तो कभी नहीं आया, पिछले दो सालों तो से, पिछले दो सालों से बंद है जनाब। सेंटर पे जाते हो राशन लेने के लिए, आपको कब से चीनी बंद है? चीनी हमारे जो एपीएल और अंतोदय वालों को मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। नहीं, आपके किसी को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है गरीब जो है वो लगातार गरीब है। ये जाती तौर पर जो है ये इलाकों में होता है ना, अगर कहीं रिटर्न में तो कोई नहीं दे रहा, आप रिटर्न में ले लो ना। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। नहीं, सरकार तो क्या, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये साथ और विकास की अगर बात करें तो विकास तो यहाँ नहीं। ब्लैक मनी कहाँ छोड़ा है? ब्लैक मनी कहाँ है? ब्लैक मनी लोग, आप लोगों ने ब्लैक मनी पकड़ा था, यूटिलाइज जो आप इतने स्कीमें जो चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जितनी स्कीमें चल रही हैं ये तो वही सारे ब्लैक मनी पे चल रही हैं। ब्लैक वो ओरिजिनल मनी कहाँ है? नहीं, उनके साथ उनका, भी उनका कैरेज क्यों नहीं मिल रहा है? जो बच्चों उनका, का हक जो है वो एमडीएम क्यों नहीं स्कूलों में बन रहा है? चीज में जानकारी में इसमें ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि इस पे मुझे जानकारी इतनी ज्यादा। हर चीज को कहते हो हम नहीं बोलेंगे, फिर कौन बोलेगा? इस चीज का गरीब को जवाब कौन देगा? देखो गरीब के साथ पूरी सरकार हमारी खड़ी है, सिर्फ खड़ी है ना, करती कुछ नहीं। लेकिन आप मुझे बताएं कि हर एक एरिया में अगर आप बात करते हो हम डेवलपमेंट करें, अगर ब्लैक मनी को आपने हर गरीब के घर तक पहुंचाया होता तो शायद अभी गरीब के घर में भी बल्ब जल रहा होता। कई एरियाज ऐसे आपके हैं अभी भी अनटच बिजली के सिवाय, रोड के सिवाय, वो क्यों नहीं टच हो रहे हैं? अगर वही ब्लैक मनी आप यहां लगाते तो शायद इन लोगों का काम हो जाता। अभी भी जो हमारी सरकार है तुरंत तो आपको जितने भी बिजली है जितने भी एरियाज हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और वो चला रहे हैं उसको। चलते चलते 70 सालों से कांग्रेस चला रही थी, 18 सालों से या पिछले दो मतलब दो प्लान हो चुके हैं, दो प्लानों में बीजेपी भी चला रही है, हर कोई चलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग फिर भी वहीं के वहीं। सर, हमने पिछले सरकारों में भी देखा और इस सरकार में हमने देखा 7 या 8 सालों में जो हमारे सरदार तक बिजली पहुंच चुकी है, जबकि हमारे पास लकड़ी का खंभा होता था। आप खुद भी देख सकते हो जो हमारा एरियाज हैं ये सबसे पीछे पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन आज ये देखो कि मोदी की देन से हमारी इलाके में केबल तार लग चुकी है और घर घर में बिजली लग चुकी है। कहीं जगह जो अनटच अभी है काफी एरियाज में हमारा जाना होता, उसके उनका क्या रीजन? उसके पीछे भी हमारी सरकार लगी है और जो हमेशा यही रहती है। गरीब को इंतजार करना पड़ेगा कि एक दिन अच्छे दिन आएंगे। नहीं नहीं, ज्यादा दूर अच्छे दिन आएंगे, ज्यादा दूर नहीं, इसमें अच्छे दिन तो दिख नहीं रहे हैं गरीब को। अच्छे दिन तब दिखेंगे। अच्छा, एक चीज बताएं, नरेगा पे अगर बात करें, पर से आपने एक तेल की जो पहले 100 रुपए शीशी होती थी वही आप जाके 250-200 तक आ रही है, आ रही है। देखो ये गाय, देखो पेट्रोल डीजल को देखो आप, पेट्रोल डीजल 106 तक अब 98-99 पे यहाँ पहुंच गया है। डीजल को देखो, पेट्रोल को देखो, कैरोसिन ऑयल पूरा पिछले जब से आपकी सरकारें आई तब से कैरोसिन मिट्टी का तेल बंद है, कभी आपने देखा अपने एरिया? नहीं, हमारा चल रहा है तेल, कौन सा आया, कब आया? हर साल आता, कब आया? आज भी तो कभी नहीं आया, पिछले दो सालों से, पिछले दो सालों से बंद है जनाब। आप मुझे बताएं, आप ठेके, आप एक सेंटर पे जाते हो राशन लेने के लिए, आपको कब से चीनी बंद है? चीनी हमारे जो एपीएल और अंतोदय वालों को मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है एपीएल वालों को, किसी को नहीं मिल रही है। नहीं, आपके आप किसी को नहीं मिल रही है, आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा क्यों नहीं मिल रही है? जब आप इतनी आवाजें उठा रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो, तो आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि वो सारी चीजें कहां गई? अभी तक जो हमारा इलाका जो मोर है या डिस्ट्रिक्ट रियासी है इसमें हमारे कभी ऐसी बात नहीं है, जब उनके पास चीनी आई तो चीनी चल रही है। अभी भी अगर आप बोलोगे डिपार्टमेंट के अंदर आ ही नहीं रही है चीनी, पीछे से बंद है तो वो कहां से? नहीं, चीनी चल रही है, चीनी पीछे बीच में कहीं ना कहीं एमडीएम की मिड मिल की बात करो, आज शायद 23 हो गई है, 25 हो गई है, एक महीना हो रहा है स्कूल जो है ओपन हो गए, जो डीलर थे वो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको एमडीएम का पिछले 2018 से लेके 19, 20, 21, 22 अभी 22 भी खत्म होने वाला है, अभी तक उनको इतने सालों का कैरेज नहीं मिला। कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों की बिलें जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिल आती हैं, मीटर पहले तो एक मीटर लगाओ फिर दूसरा मीटर लगाओ, अब उन्होंने चेंज कर दिया कि दूसरा मीटर लगाओ, कहीं ना कहीं जो है गरीब जो है वो लगातार गरीब ही हो रहा है। ये जाती तौर पर जो है ये इलाकों में होता है ना, अगर कहीं रिटर्न में तो कोई नहीं दे रहा, आप रिटर्न में ले लो ना। रिटर्न में आप ये चीज़ आप इन चीज़ों आप इन चीज़ों पर क्यों नहीं बात?
हम इन चीजों पे बात करते हैं। लेकिन आप अगर डिपार्टमेंट, चलो एक डिपार्टमेंट का अगर कोई अधिकारी जो है वो गलत कर रहा है या डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट है वो गलत कर रहा है, तो आप उस चीज का एक्शन क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हमारा एक्शन रहता है, देखो हमें एक्शन अगर आपका होता तो फिर ये हाल ही ना होता गरीब। बिल जो कहीं ना कहीं आपकी सरकार ने ही अभी एक कुछ दिन पहले एक निकाला कि अगर किसी को मकान उखाड़ना है तो वो सरपंच से जाके रिटर्न में लाएगा, परमिशन लेगा, उसकी एक टीम बनाई गई है। क्या वो गरीब को अपना घर मकान उखाड़ने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ी? ये हाईकमान का फैसला है, ये हाईकमान नहीं, आप कार्यकर्ता हैं, आप इस चीज का जवाब देना। नहीं, इस चीज का मैं भी यही कह रहा हूँ, ये जो पीछे कहीं अगर गरीब की किसी सरपंच से अनसुनी हो जाए या नहीं मतलब नहीं जा सकता वो उसके पास, तो क्या वो फिर बेचारा अपना घर उखाड़ के बनाने? इस बारे में मैं बता नहीं सकूँ, इस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैं ये कहूँगा आपसे कि जब तक कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। नहीं, सरकार तो क्या, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये साथ और विकास की अगर बात करें तो विकास तो यहाँ नहीं। अब अगर आप बात करोगे बीजेपी की, तो बीजेपी जितना 14 साल में काम किया, 14 से लेकर वो 2022 तक जितना काम किया, तो 70 साल में आप इतना गिनोगे, इतना काम नहीं होगा। ब्लैक मनी कहाँ छोड़ा है? ब्लैक मनी कहाँ है? ब्लैक मनी लोग, आप लोगों ने ब्लैक मनी पकड़ा था, वो कहाँ छोड़ा? ब्लैक मनी की अगर बात करूं मैं, तो ब्लैक मनी लोगों के पास जो जैसे भी कितनी ब्लैक मनी, जो आपने ब्लैक मनी इकट्ठा किया, बीजेपी सरकार ने ब्लैक मनी इकट्ठा किया, वो ब्लैक मनी कहाँ छोड़ा? कौन सा ब्लैक मनी को कहाँ छोड़ा आपने? वो ब्लैक मनी कहाँ छोड़ा आपने? ब्लैक मनी पे कार्रवाई चल रही और चलेगी, चलती रही, खत्म हो चुकी है कार्रवाई, हो के ब्लैक मनी पकड़ के आपने सारा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो पैसा कहाँ लगाया? उस पैसे को आप यूटिलाइज कहाँ कर रहे हो? यूटिलाइज जो आप इतने स्कीमें जो चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, जितनी स्कीमें चल रही हैं ये तो वही सारे ब्लैक मनी पे चल रही हैं। ब्लैक वो ओरिजिनल मनी कहाँ है? ओरिजिनल मनी पे। और इतना ब्लैक मनी आपने पकड़ा, इतने बड़े बड़े नेताओं से आपने ब्लैक मनी पकड़ा, तो वो ब्लैक मनी कम अज कम ग्राउंड पे किसी गरीब को दिखाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट हमारी सरकार दिखाती है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मीडिया की तरह जरिए से आप उन नेताओं से बात करिए जो पहले शासन में रहे। अभी सत्ता में पिछले दो बार से लगातार बीजेपी सत्ता में है, सेंटर में प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार दो सालों मतलब दो बार हो चुके हैं, अभी तीसरी बार फिर शायद आने की उम्मीदें हैं, लेकिन हम आपसे नहीं करेंगे तो किसी क्वेश्चन नहीं, हम भी आप ब्लैक मनी आपने पकड़ा, नोटबंदी आपने की, आप इस चीज का जवाबदारी पब्लिक को दें कि ब्लैक मनी का लोग क्यों नहीं बात करते? राय साहब आप मुझे 10 साल के पीछे की बात अगर कहोगे तो 10 साल पीछे की नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 से लेके अभी 22 तक की बात बता रहा हूं। अभी तक इतना कहीं जगह रह गया होगा, लेकिन MDM आपका लगाया हुआ है, MDM आपकी सरकार ने लगाया, उसके बाद में आपकी सरकार ने ही हैंड ओवर किया कि भाई ये दे दो डिपार्टमेंट को, फूड डिपार्टमेंट को दो, ये खुद उठाएंगे डीलर। आप डीलर बेचारे रोड पे उतर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? नहीं, उनके साथ उनका, भी उनका कैरेज क्यों नहीं मिल रहा है? जो बच्चों का हक जो है वो MDM क्यों नहीं स्कूलों में बन रहा है? उनको स्पष्ट मिल रहा है इस वक्त, मिल रहा है स्पष्ट हर जगह आपने कहाँ मिल रहा है? सर मैं बता रहा हूँ कि जनाब जनवरी फरवरी मार्च चलो जनवरी और फरवरी को छोड़ो, मार्च का पूरा महीना खत्म होने वाला है, अभी तक किसी भी स्कूल में आप मुझे बताएं कि MDM बना, मिड डे मील बना? नहीं, मिड डे मील हमारे उठाया ही नहीं, जब उठाया ही नहीं गया है। ZDU साहब से मेरी बात हुई, डीलर से मेरी बात हुई, कंसर्न डीलर से मेरी बात हुई कि आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, उसने कहा 2018 से लेके अभी तक जो है हमें किसी ने एक रुपया नहीं दिया, हम क्यों उठाएंगे? इसमें जो इसमें आप लोग क्यों नहीं बात करते? नहीं, इनमें जो भी अगर इसमें इस चीज़ में जानकारी में इसमें ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें मुझे जानकारी इतनी ज़्यादा। हर चीज़ को कहते हो कि हम नहीं बोलेंगे, फिर कौन बोलेगा? इस चीज़ का गरीब को जवाब कौन देगा? मुझे बताएं, देखो गरीब को जवाब कौन देगा? देखो गरीब के साथ पूरी सरकार हमारी खड़ी है, सिर्फ खड़ी है ना, करती कुछ नहीं। नहीं, क्यों नहीं करती? आप लोग कहाँ गरीब के लिए आवाज उठा रहे हो? हर हमेशा हमारी आवाज रहती है, और हमेशा कहीं नहीं ना दिखी हमें नहीं ना दिख रही है गरीब की आवाज। जनाब केरोसिन ऑयल बंद, चीनी बंद, गैस सिलेंडर की कीमतें देखो, डीजल की कीमतें देखो, पेट्रोल की कीमतें देखो, गाड़ी का किराया इतना, ड्राइवर बेचारे क्या करेंगे? जितना किराया उतना तो तेल किराया भी तो उसमें उसका इजाफा हुआ, तेल बढ़ाया तो किराया हुआ। हाँ, मार किसको है? मार उसमें मार किसको है? आपने उसके बाद में किराया बढ़ा दिया, किराया किससे लेना आपने? किराया तो बात किराया गरीब ने ही देना है, गरीब दिहाड़ी कहाँ से लगाएगा? गरीब को दिहाड़ी कहाँ मिल रही है? दिहाड़ी क्यों नहीं मिल रही? दिहाड़ी निरेगा कहाँ से मिल रही है? करोड़ों रुपया इस वक्त करोड़ों का आ रहा है, करोड़ों का ठेकेदार ले जा रहे हैं, गरीब को कहाँ से मिल रहा है आप मुझे बताएं? देखो इसमें जो ये सेंट्रल सरकार ने जितनी भी स्कीमें रखी है ये सब गरीब को आगे चलाने की है, गरीब के नाम की रखी है, लेकिन गरीब के पास नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? राय साहब अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो इस वक्त अगर सरकार अगर इस वक्त हमारी सरकार जब जो भी कोई चीज देती है तो वो यहाँ के आपके नुमाइंदे जो है आपके चुने हुए आपके आपके चुने हुए जनाब हमारे हमारे लिए सारे नुमाइंदे हैं।
हमारे लिए सारी सरकारें आई, 70 साल कांग्रेस रही, अब पिछले दो बार दो प्लान हो चुके हैं, बीजेपी है, हम उससे भी खुश हैं, कांग्रेस से भी खुश थे, लेकिन गरीब को बेचारे को कोई नहीं देख रहा। नहीं, गरीब को बिल्कुल, गरीब हमारे जो पार्टी जो है हमारे गरीब को सबसे पहला रखा है, और हमारी पार्टी हमेशा गरीब के साथ और विकास के साथ रहती है।